Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, up to now we have completed the word meanings of the chapter number 7. And today on 10th of August, we are going to start reading this chapter. Dear students, you need to make corrections in some dates of the previous lectures. The name of this chapter is A Visit to Cambridge. Written by Firdaus Kanga. Okay, अब यहाँ पे Firdaus Kanga कौन है? Firdaus Kanga is the writer of this chapter. Okay, Firdaus Kanga जो है वो एक famous जो scientist है Stephen Hawking उनसे मिलते हैं और उनका experience कैसा रहता है उस experience के बारे में वो हमें इस chapter में बताते हैं. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary person. ये जो story है ये two extraordinary person असाधारण person की meeting की एक story है. Okay, both of them disabled. दोनों क्या थे? Disabled थे, है ना? Means कि किसी न किसी तरीके से वो अपंग थे. और differently abled, as we now say. और जैसा कि हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंटली एबल थे, है ना? मीन्स कि हम जिस तरीके से काम करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट वे में वो काम करने के एबल थे. अब कौन थे वो टू पर्सन्स? स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आर टाइम. स्टीफन हॉकिंग हमारे टाइम के एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे. ओके, ये कौन बोल रहा है? Firdaus Kanga बोल रहा है. उसने राइट किया है ये चैप्टर. ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर. वो एक तरह के पैरालिसिस से सफर थे, उससे पीड़ित थे. और उस पैरालिसिस ने क्या किया हुआ था उनको? अपनी व्हील चेयर तक ही कन्फाइन किया हुआ था. मीन्स कि लिमिटेड किया हुआ था, वो व्हील चेयर से उठते नहीं थे. And allows him to speak only by punching button on a computer. और ये paralysis इस टाइप का था जिसकी वजह से वो केवल एक computer पे punching button को punch करके ही बोल पाते थे. okay? Which speaks for him in a machine like voice. और वो computer उनके लिए एक machine जैसी voice निकालता था. मीन्स कि जो कंप्यूटर है उसके थ्रू ही स्टीफन हॉकिंग्स बोल पाते थे. ओके, उनकी खुद की वॉइस नहीं निकलती थी, केवल उनकी जो लिप्स है वो थोड़े कंपन होते थे और उन कंपन को जो कंप्यूटर है वो कैच करता था और अपनी मशीनी लैंग्वेज में कंप्यूटर खुद बोलता था उनके लिप्स के कंपन को कैच करके. ओके, Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. अब Firdaus Kanga कौन है? एक writer है and journalist है, जो कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में, और वहीं पे वो अपना work करते हैं. Kanga was born with brittle bones. जो Kanga है वो brittle क्या होती है? जो futile means की जो बहुत ही भंगूर होती है, जो easily broken, जो easily टूट जाती है. okay? जो Kanga है उनकी भी एक problem थी. क्या problem थी? कि उनकी bones ब्रिटल थी. ओके, दे टेंडेड टू ब्रेक इजिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. और उनकी बोन्स बहुत इजीली टूट जाया करती थी जब वो एक चाइल्ड थे. ओके, इवन जब वो वॉक करते थे ना तो वॉकिंग करने से भी उनकी बोन्स टूट जाया करती थी. लाइक हॉकिंग Kanga मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. हॉकिंग्स की तरह जो स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट है उन्हीं की तरह Kanga भी अपनी व्हील चेयर पर ही मूव किया करते थे. The two great men exchanged thoughts on what it means to live life in a wheelchair. जो two great men हैं Stephen Hawking और Kanga, ये अपनी thought exchange करते हैं, अपने विचारों को exchange करते हैं. किस चीज़ पे? What it means to live life in a wheelchair. कि एक wheelchair पे life जीने का मतलब क्या है. And on how the so-called normal people react to the disabled. और किस टाइप से जो नॉर्मल पीपल है, मीन्स कि जो डिसेबल नहीं है, जो अपंग नहीं है, वो नॉर्मल पीपल डिसेबल्ड के लिए कैसा रिएक्शन देते हैं, इस बारे में जो टू ग्रेट मैन थे Kanga.
एंड स्टीफन हॉकिंग्स अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे थे. ओके, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड. जो ऑथर है कांगा वो बोलता है कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का एक क्या था, मेटाफॉर था. मीन्स कि कैम्ब्रिज भी मेरे लिए इंग्लैंड जैसा ही था. ओके, काफ़ी सिमिलरिटीज थी दोनों के बीच में. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर. और ये तो काफ़ी स्ट्रेंज था, काफ़ी विचित्र था कि जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा है ना, तो कैम्ब्रिज मेरे लिए कुछ और बन चुका था. क्यों बन चुका था कुछ और? बिकॉज मैं स्टीफन हॉकिंग जो फेमस साइंटिस्ट थे उनसे मिल चुका था. ओके, आई वॉज ऑन अ वॉकिंग ट्यूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइज़ैक न्यूटन whose chair he has at the university. अब क्या था, मुझे एक टूर पे, वॉकिंग टूर पे ले जाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से. ओके, और जिसमें हमारा जो गाइड था उसने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में मेंशन किया था. उस टूर में हमारे गाइड ने क्या किया, हमें स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि एक बेचारा पुअर मैन, बेचारा आदमी जो काफ़ी डिसेबल्ड है ना, हालांकि वो न्यूटन जो है उसका सक्सेसर बनने के लायक है. मीन्स कि जो न्यूटन साइंटिस्ट है उसकी जगह लेने के लायक है. तो मीन्स कि उसमें भी बहुत ज़्यादा माइंड होगा, तभी तो न्यूटन का वो प्लेस लेने के लायक है. हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी. और न्यूटन की ही चेयर उसको यूनिवर्सिटी में मिली हुई है. किसको मिली हुई है? स्टीफन हॉकिंग की. ओके, ऐसा किसने बताया? गाइड ने बताया कांगा को. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here. अब क्या था, मैं रवाना हो गया because मैं भूल चुका था उस मोस्ट ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट. एस्ट्रोफिजिस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स एक पर्सन जो स्टार्स, प्लैनेट्स, इनके बारे में जानता है, उनके बारे में इन्वेंशन वगैरह करता रहता है. ठीक है, उनकी स्टडीज करता रहता है. तो जो राइटर है वो बोलता है कि मैं रवाना हो गया क्योंकि मैं उस कम्प्लीटली पैरालाइज्ड और ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट के बारे में भूल चुका था, है ना. जो क्या था, द ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. जो ऑथर था किसका, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक का, जो वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर थी. मीन्स कि अब तक की दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी. मैं भूल चुका था कि वो भी यहीं पे रहते हैं. कौन रहते हैं? स्टीफन हॉकिंग्स एस्ट्रोफिजिस्ट. ऐसा किसने बोला? जो कांगो है राइटर इस चैप्टर का, उसने. ओके, उसका फुल नेम है फिरदौस कांगा. व्हेन द वॉकिंग ट्यूर वॉज डन, जब वॉकिंग ट्यूर कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, आई रश टू अ फोन बूथ. मैं एक फ़ोन बूथ पे गया. Almost tearing the cord so it could reach me outside. बाहर से ही जो कॉर्ड है, जो वायर है, उसको लगभग टीयर करते हुए, मीन्स कि मैंने उसको इस टाइप से खींचा जैसे तो बीच में टीयर हो जाएगा, फट जाएगा. ओके, ताकि ये मैं बाहर जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ तक इसका वायर पहुँच सके. Found स्टीफन हॉकिंग्स हाउस. और मैंने वहाँ पे जाके क्या किया, फ़ोन बूथ पे जो स्टीफन हॉकिंग है उसको कॉल किया. देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया. तो मेरा जो फ़ोन है वो किसने पिक किया? स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने. और मैंने उसको कहा कि मैं व्हील चेयर पर आया हूँ इंडिया से टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में मेरे ट्रेवल्स के बारे में लिखने के लिए. अब क्या था, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपल्ड माई सेल्फ ऑल द वे. हाँ, शायद वो जो असिस्टेंट है उसको ऐसा लगा हो कि मैं इंडिया से
यहाँ तक ब्रिटेन तक पूरे रास्ते में व्हीलचेयर पे चल के आया हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने उसको बोला, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू हाफ एन आवर, ही सेड। मैंने उसको कहा कि अगर मैं 10 मिनट्स मिल सकूँ तो वो भी काफ़ी होगा। हाफ एन आवर, ही सेड। तो उसने कहा कि आधा घंटा, मीन्स कि मैं तुम्हें आधा घंटा दे सकता हूँ। फ्रॉम 3:30 टू 4, 3:30 से 4 o'clock तक। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट नंबर 1 में क्या हुआ कि जो राइटर है इस चैप्टर का, फिरदौस कांगा, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। वहाँ से गाइड उनको वॉकिंग टूर पे ले जाता है। वॉकिंग टूर पे जो गाइड है वो स्टेफन हॉकिंग के बारे में बताता है, और उसके बारे में सुन के जो हमारा राइटर है उसके मन में उससे मिलने की इच्छा जगती है। किससे मिलने की? स्टेफन हॉकिंग से। और वो उसको कॉल करता है, फिर मीटिंग फिक्स हो जाती है। कितने मिनट्स की? 30 मिनट्स की। ओके, अब क्या होता है, जो राइटर है फिरदौस कांगा वो मिलने जाता है। क्या बात करता है? वी विल रीड अबाउट दैट टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर।